नमस्कार, जंगे अवध देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दिव्या तिवारी। यूपी कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन की खबरों के बीच पार्टी अध्यक्ष निर्मल खत्री के इस्तीफे की खबर है। खबर है कि खत्री ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को इस्तीफा दे दिया है। खत्री पिछले 3 दिनों से दिल्ली में ही डेरा डाले हुए थे। निर्मल खत्री ने लिखित में अपना इस्तीफा सोनिया गांधी को भेजा है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी हाईकमान ने उनका इस्तीफा भी मंजूर कर लिया है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। और भाई आपको बताते हैं कि आखिर खत्री ने इस्तीफा क्यों दिया। असल में गुलाम नबी आजाद के यूपी प्रभारी बनने के बाद से ही संगठन में बदलाव की अटकलें लग रही थी और इस बीच रहकर निर्मल खत्री को हटाए जाने की बात आ रही थी। चुनाव के पहले प्रदेश कांग्रेस में बदलाव की रणनीति के पीछे गुलाम नबी आजाद द्वारा आलाकमान को पूर्व में दी गई रिपोर्ट बताई जा रही है। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे संवाददाता विवेक तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, पिछले दिनों जिस तरीके से बैठकों से नदारद रह रहे थे निर्मल खत्री, अटकलें तो तब से ही लगना शुरू हो चुकी थी। जी हाँ, काफी दिनों से इस बात की अटकल थी। खासतौर से गुलाम नबी आजाद जब से प्रभारी बने उसके बाद से ही ये तय माना जा रहा था कि निर्मल खत्री को इस पद से हटाया जाएगा। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी कांग्रेस पार्टी ने इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन कांग्रेस कहीं कई बड़े सोर्सेज ने इसको कन्फर्म किया है कि निर्मल खत्री का इस्तीफा मंजूर हो गया है। उन्होंने इस्तीफा कुछ दिनों पहले दिया था और जो सूत्र बता रहे हैं कि उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपना इस्तीफा सौंपा था, उसे कल सोनिया गांधी ने मंजूर कर लिया है। इस तरह इसका मतलब यह है कि अब निर्मल खत्री उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नहीं है और अब नया अध्यक्ष कौन होगा इसकी घोषणा भी बहुत जल्द हो जाएगी, क्योंकि अगले महीने लखनऊ में ही एक बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन कांग्रेस करने जा रही है जिसमें राहुल गांधी खुद मौजूद होंगे। चर्चा ये भी है कि प्रियंका गांधी भी उसमें आ सकती है शामिल होने के लिए। इस लिहाज से कांग्रेस को जो कुछ करना है बहुत जल्दी करना है, उसके पास वक्त नहीं है। अगस्त में ये सम्मेलन होना है। जहां तक निर्मल खत्री की बात है, ये भी खबरें आ रही हैं कि उनको केंद्रीय कार्यकारिणी में कांग्रेस कुछ पद देकर उनको एडजस्ट कर सकती है, लेकिन फिलहाल कांग्रेस के सूत्रों ने कन्फर्म किया कि निर्मल खत्री का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। सूत्रों के हवाले से कुछ ऐसे नाम जो सामने आ रहे हो प्रदेश अध्यक्ष के लिए? देखिए, दो तीन नाम सामने आ रहे हैं। सबसे ऊपर नाम जितिन प्रसाद का चल रहा है, शीला दीक्षित का भी नाम चल रहा है, इसके अलावा आरपीएन सिंह का नाम चल रहा है। लेकिन ये माना जा रहा है कि जो प्रशांत किशोर की टैक्टिक्स है उसके तहत किसी ब्राह्मण चेहरे को कांग्रेस पार्टी इस बार प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर मौका दे सकती है। इस लिहाज से जितिन प्रसाद का नाम सबसे ऊपर है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विवेक इस जानकारी के लिए। वहीं यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। 16 और 17 जुलाई को बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया जा रहा है। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की ये बैठक झांसी में होगी। हालांकि पहले ये बैठक मुरादाबाद में होनी थी। यूपी बीजेपी कार्य समिति की बैठक में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के साथ ही सूबे के मौजूदा सियासी हालात पर भी चर्चा होगी। आपको बता दें कि पिछले महीने इलाहाबाद में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी हुई थी और इस बैठक में पीएम मोदी समेत बीजेपी के तमाम आला नेताओं ने हिस्सा लिया था। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी यूपी चुनाव का मुद्दा ही छाया रहा था। हाल ही में मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हुई कृष्णा राज ने मोर्चा संभाल लिया है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री का जिम्मा संभालने के बाद कृष्णा राज अमेठी पहुंची, जहां उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और बैठक के दौरान उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी करने की बात कही। साथ ही केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव के लिए जी जान से काम करने को कहा। आजकल हमारा पूरा जो है भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में एक एक कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश की कानून ध्वस्त कानून व्यवस्था के विरोध में ही सड़कों पे उतरा है और जिसको उत्तर प्रदेश की जनता आने वाले समय में जवाब देने जा रही है। भ्रष्टाचार और कुशासन से डूबा हमारा उत्तर प्रदेश, इसको आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश की ही हमारे तमाम उन सम्मानित कार्यकर्ता और उत्तर प्रदेश की जनता जवाब देगी और फिर मैं कहूंगी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कानपुर की। कानपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मंथन चल रहा है। संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज तीसरा दिन है और इससे पहले सोमवार को प्रांत प्रचारक वर्ग की औपचारिक बैठक शुरू हुई और बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत और सर कार्यवाहक भैयाजी जोशी समेत करीब 41 प्रांतों के प्रांत प्रचारक शामिल हो रहे थे। सूत्रों के मुताबिक संघ की इस बैठक में सामान्य नागरिक संहिता को लेकर भी चर्चा होगी और मुख्य बैठक 13 और 14 जुलाई को होगी।
इस बैठक में संघ के कामकाज का विस्तार कैसे हो इस पर चर्चा होगी। उधर सूत्रों के मुताबिक प्रांत प्रचारकों की इस बैठक में संघ की नीतियों पर चर्चा के साथ ही उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों पर भी चर्चा होगी। पांच वर्षों में अनेक नए कार्यकर्ता इस दायित्व पर आते हैं। कुल मिलाकर प्रांत प्रचारक का दायित्व क्या है, संघ कार्य के अनेक बढ़ते आयाम हैं, उन सारे आयामों के बारे में स्पष्ट कल्पना हो और अपने अपने प्रांत में इन सभी आयामों का काम ठीक से आरंभ हो, इस दृष्टि से एक संगठनात्मक, यू कैन कॉल इट ओरिएंटेशन कोर्स, ऐसा यह तीन दिन चलेगा। एक रिव्यू एंड फ्यूचर प्लानिंग, ये दो ही विषय केवल इन दो दिन की बैठक में हो गए। यूपी में चुनावी मौसम इस कदर हावी हो गया है कि अब कार्यक्रम कोई भी हो बात पॉलिटिक्स की हो ही जाती है। सोमवार को पूरे यूपी में मौका तो था यूपी को क्लीन और ग्रीन करने का, लेकिन मुलायम और अखिलेश ने पेड़ लगाने के बहाने अपने सियासी विरोधियों को भी नहीं छोड़ा। यूपी की आबोहवा खुशनुमा बने, हर तरफ हरियाली हो, इसी मकसद से यूपी में एक दिन में 5 करोड़ पेड़ लगाने का टारगेट रखा गया। सीएम अखिलेश ने क्लीन यूपी ग्रीन यूपी मिशन की कमान संभाली। अखिलेश के मंत्री अफसर भी 24 घंटे में 5 करोड़ पेड़ लगाने के मिशन में जुटे। एसपी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने लखनऊ में पेड़ लगाया। लगे हाथ मुलायम ने यह भी बताया कि सूबे के सीएम और उनके बेटे अखिलेश ने तो पढ़ाई ही पेड़ लगाने के लिए की है, लिहाजा इस मुहिम को उन्होंने और पहले शुरू करना चाहिए था। मुख्यमंत्री पेड़ लगाने में जुट गए, इसी में तो आपने पढ़ाई की है, इसी के आप इंजीनियर हैं और पेड़ लगाने के पक्ष में हैं तो लगाते क्यों नहीं, तब लगाना शुरू किया मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री इसी में इंजीनियर है और होना चाहिए तो पेड़ अब लगाना शुरू किए। सीएम अखिलेश यादव ने मैसूर यूनिवर्सिटी में एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग की है। मुलायम ने लखनऊ में पेड़ लगाया तो 24 घंटे में 5 करोड़ पेड़ लगाने का टारगेट के तहत सीएम अखिलेश ने कन्नौज में पेड़ लगाया। यूपी के आसमान में चुनावी बादल छाने लगे हैं, लिहाजा मौका और मिशन को देखते हुए अखिलेश ने बीजेपी पर पूंजीपतियों को जमीन देने का आरोप लगाया। साथ ही ये भी पूछा कि बीजेपी के अच्छे दिन के वादे का क्या हुआ। वो बहुत होशियार लोग हैं, बताओ 2 साल में कोई काम किया हो तो बता दो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अगर कहीं सीधा सीधा लाभ पहुंचा हो तो बता दो, कोई लाभ नहीं मिला। सीएम अखिलेश कानपुर देहात में भी मिशन ग्रीन यूपी में शामिल हुए। कानपुर में ही आरएसएस का मंथन चल रहा है, लिहाजा मौके की नजाकत को देखते हुए अखिलेश ने संघ पर तीखा तंज कसा। ये एक अच्छी भावना है, जहाँ पेड़ लगेंगे लोग पेड़ देख करके खुश होते हैं, लेकिन वहीं अगर पेड़ की डाल काटी हुई कोई चलाएगा लेकर के चलेगा हाथ में तो उससे नुकसान भी होता है। तो हम तो पेड़ लगा रहे हैं, कौन बैठक में क्या कर रहा है अब ये हमारी जानकारी में नहीं। सीएम अखिलेश पूरे दलबल के साथ पेड़ लगाने में जुटे हैं। यूपी को क्लीन और ग्रीन बनाने का इरादा नेक है, नजर 2017 के मिशन पर है, सियासी जमीन को भी सींच रहे हैं। आप भी पेड़ लगाएं, धरा धरोहर है, पेड़ जरूरी है। लखनऊ से अमिता पारुल, कन्नौज से नित्य मिश्रा के साथ अवनीश विद्यार्थी, इंडिया 24/7, कानपुर देहात। मायावती की बहुजन समाज पार्टी में बागी सुर थमने का नाम नहीं ले रहा। पिछले एक महीने के दौरान 4 बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। कई पूर्व सांसद और विधायकों ने पार्टी को अलविदा कह दिया। हर कोई मायावती पर तानाशाही का आरोप लगाकर पार्टी छोड़ रहा है। अब सवाल उठता है कि क्यों एक के बाद एक पुराने साथी मायावती का साथ छोड़ते चले जा रहे हैं। आज बसपा में दलित लोगों की जरूरत नहीं है, मजबूर लोगों की जरूरत नहीं है, आज बसपा में बिल्डर्स की जरूरत है, बड़े बड़े माफिया की जरूरत है, और बिल्डर्स की जरूरत है वो पैसा देके टिकट लेगा, राजा बनेगा और दलित समाज को मजदूर बना करके बिल्डिंग बनवाएगा, वो मायावती काम कर रही है। वही आरोप, वही शिकायत, वही गुस्सा। एक और नेता ने मायावती को दौलत की बेटी कहकर सियासी दोस्ती तोड़ दी। यूपी में विधानसभा चुनाव होने में अभी 6 महीने से ज्यादा का वक्त बचा है।
लेकिन नेताओं के विचारों में बदलाव की बयार बहने लगी है। पिछले एक महीने में कई पुराने साथी मायावती का साथ छोड़ चुके हैं। सूत्र बताते हैं कि मायावती को अभी जोर का झटका लगने वाला है। जब कोई नेता पार्टी छोड़ता है तो बीएसपी कहती है कि ऐसे लोगों के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हकीकत ये है कि पार्टी के बड़े नेताओं ने मायावती का साथ छोड़ा है। मसलन मायावती के लेफ्टिनेंट माने जाने वाले विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी छोड़ी। उसके ठीक बाद राष्ट्रीय महासचिव आर के चौधरी ने पार्टी को अलविदा कह दिया। फिर भदोही इलाके के बड़े नेता रविंद्रनाथ त्रिपाठी ने माया का साथ छोड़ दिया और अब राष्ट्रीय सचिव परमदेव यादव ने पार्टी को अलविदा कह दिया। परमदेव यादव को कभी मायावती ने झारखंड और पश्चिम बंगाल का प्रभारी भी बनाया था। ये तो बड़े नाम है, इसके अलावा कई छोटे छोटे नेताओं ने बीएसपी का दामन छोड़ दिया है। कुछ नेताओं ने दूसरी पार्टी का झंडा थाम लिया है, लेकिन बागी बने बड़े नेता विकल्प तलाश रहे हैं। ये सभी मिलकर मायावती के खिलाफ एक बड़ा चक्रव्यूह बनाने की कोशिश में हैं। हम लोगों ने फैसला किया है कि 26 को बड़ी रैली की जाएगी और बहुजन समाज पार्टी का विकल्प बनाने का प्रयास किया जाएगा। मायावती से जितने भी नेता अलग हुए हैं, सबका कमोबेश एक ही आरोप है कि मायावती भले ही खुद को दलित की बेटी कहे, लेकिन उन्हें अब सबसे ज्यादा दौलत से मोहब्बत हो गई है। जाहिर है ऐसे में विरोधी पार्टी के नेताओं को हमला करने का बड़ा मौका मिल गया है। कोई एजेंडा नहीं है उनका, तो एजेंडा यही है कि मैं टिकट काट दूंगी, मैं प्रभारी बदल दूंगी, नहीं तो पूरा पैसा जमा करो। उनका कोई राजनीतिक दल है क्या? वो कोई घोषणा पत्र उनका नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है। चुनाव से पहले जिस तरह से एक के बाद एक पुराने साथी मायावती का साथ छोड़ रहे हैं, ये बीएसपी के लिए सही संकेत नहीं है, वो भी बेहद संगीन आरोप लगाकर। हालांकि चुनावी आहट होते ही बड़े बड़े नेताओं को दिव्य दृष्टि हो जाती है, जो कभी नहीं दिखता वो भी दिखने लगता है। अभी चुनाव होने में वक्त है, देखिए कि मायावती अपने कुनबे को कितना संभाल पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। यूपी चुनाव होने में कुछ महीनों का वक्त बचा है, लिहाजा हर पार्टी में सियासी सरगर्मी तेज है। फिर से नेताओं का रेला लगने वाला है, वोट मांगने वालों की भीड़ लगने वाली है। फिर नए वादे होंगे, दावे होंगे, लेकिन जिन्होंने इन्हीं वादों और दावों के दम पर पिछली बार चुनाव जीता था, उन्होंने 4.5 सालों में क्या काम किया, इसे टटोलने की हम हर दिन कोशिश करते हैं। आज हम आपको लखनऊ सेंट्रल विधानसभा की तस्वीर दिखाते हैं। पुरानी राजशाही इमारतों के सामने सड़क पर दौड़ती भागती गाड़ियां, ये नवाबों की नगरी लखनऊ की तस्वीर है। हिंदुस्तान के पुराने शहरों में से एक लखनऊ से पूरे यूपी की दिशा तय होती है। यहाँ तमाम नेता रहते हैं, अफसर रहते हैं। जिस लखनऊ से पूरे सूबे की बात होती है, वहाँ की स्थिति क्या है ये देख लीजिए। लखनऊ सेंट्रल विधानसभा क्षेत्र की नुमाइंदगी समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मेहरोत्रा करते हैं। 2012 में बीजेपी के विद्यासागर गुप्ता को हराया था। चुनावी आहटों के बीच मेहरोत्रा को अभी अभी मंत्री की कुर्सी पर बिठाया गया है। क्षेत्र के लोगों की उम्मीदें उनसे कहीं अधिक बढ़ गई हैं। सबसे पहले हम क्षेत्र की अच्छी बातें बताते हैं, उस काम के बारे में बताते हैं जिसे पूरा करने का दावा विधायक जी करते हैं। पिछले 5 सालों में इलाके में 250 पानी की टंकी लगाई गई, 90% सड़कों का निर्माण हुआ, बिजली व्यवस्था हुई, सीवर लाइन बिछाई गई। शहीद उधम सिंह, आचार्य नरेंद्र देव द्वार, अशफाक उल्ला खां द्वार का निर्माण कराया गया, गोमती नदी की सफाई, मेट्रो का काम, बड़े पैमाने पर मलिन बस्ती में भी कई काम किए गए। ये दावे विधायक जी के हैं। गोमती नदी की सफाई को विधायक रविदास मेहरोत्रा अपनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं। प्रदेश सरकार से बहुत सारे विधानसभा के क्वेश्चनों के माध्यम से कार्रवाई करने का काम करा है। जैसे गोमती नदी
बहुत अधिक दूषित थी, गंदा पानी आता था। हम लोगों ने प्रयास किया और कई बार विधानसभा के अंदर अपनी बात कही, इसके फलस्वरूप गोमती नदी साफ हो रही है। उत्तर प्रदेश में कोई नदी साफ नहीं हुई, लेकिन गोमती नदी को हम लोगों ने मिलकर के प्रयास करके साफ करने का काम किया है। और हम लोगों का ये प्रयास है कि 2 महीने के बाद गोमती में जब पानी बहना शुरू हो तो इतना पानी शुद्ध हो कि लोग गोमती का पानी भर करके वहीं ग्लास में पानी पी सकें, ये हम लोगों का प्रयास है। विधायक जी काम के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन विरोधी नेताओं का कहना है रविदास मेहरोत्रा तो विधायक निधि का पैसा भी खर्च नहीं कर पाए। मेहरोत्रा कहाँ रहते हैं ये किसी को नहीं पता। हम लोग तो उनका पोस्टर लगवाने वाले हैं, बहुत दिनों से मिले ही नहीं है, जब से वो जीते हैं वो खो गए, लगता मध्य क्षेत्र के विधायक ही नहीं रहे हैं। आप जरा वार्डों की कल्पना करिए, मालवी नगर, ऐस बाग, जल संस्थान और तिलक नगर, ऐसे ऐसे वार्ड हैं, राजेंद्र नगर वार्ड है, आप वहाँ पूछ लीजिए, आम जनता से पूछ लीजिए कि आपने रविदास मेहरोत्रा जी को देखा है वहाँ पर, पता चला आज तक उन्होंने देखा ही नहीं कि मेरा कौन विधायक है। सियासी वार पलटवार अपनी जगह है, लेकिन हम आपको लखनऊ सेंट्रल इलाके की कुछ समस्याएं बताते हैं। सबसे पॉश इलाका होने के बावजूद ट्रैफिक और प्रदूषण की बड़ी समस्या है। इलाके में जल भराव की बड़ी दिक्कत है। शहर के कई हिस्से में टूटी सड़कें, बिजली के तारों का जाल, ट्रांसफार्मर का जलना जैसी समस्याएं आम हैं। कई मोहल्लों में पीने का साफ पानी नहीं मिलता है। कानून व्यवस्था भी शहर में एक बड़ी चुनौती है। जल भराव, अतिक्रमण, तमाम ऐसी समस्याएं हैं जो लखनऊ मध्य की पॉश विधानसभा को भी मुश्किल विधानसभा बनाती हैं। ऐसी कई सारी चुनौतियां लखनऊ मध्य की इस विधानसभा में हैं, जो कई बार विधायक की भूमिका पर भी सवाल उठाती हैं। यूं तो विकास यहां से शुरू होता है, लेकिन विकास कहां अंधेरे में गुम हो जाता है, ये भी इस इलाके की तस्वीर देखने में पता चलता है। विधायक के काम को लेकर लोगों की अलग अलग राय है। हम पहले उन लोगों की बात सुनाते हैं जिनको लगता है कि विधायक जी को काम करना चाहिए था, वो किया नहीं। हमारे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा समस्या जो है, मुझे लगता है कि सफाई की है। गंदगी बहुत ज़्यादा है, अतिक्रमण है जिस पर कोई काम नहीं हो रहा है। शहर के बहुत से पुराने और पुरातात्विक महत्व की क्षेत्र, कैसरबाग और अमीनाबाद वाले क्षेत्र हमारे यहाँ आते हैं, लेकिन उसमें कोई विकास नहीं हो रहा है। अतिक्रमण इतना ज़्यादा है, खूबसूरती पर कोई काम नहीं किया जा रहा है। हमारे क्षेत्र में इस टाइम वो हालात हैं कि अगर मानसून थोड़ा सा अगर परिवर्तित हो जाए और जिससे अगर थोड़ी सी बारिश हो जाए तो वहाँ इतना पानी का भराव हो जाता है कि वहाँ से आना जाना दूभर हो जाता है। जैसा कि हमारे क्षेत्र के जो विधायक जी हैं उनसे हमने कई बार दरख्वास्त की है, लेकिन फिर भी वहाँ कोई एक्शन नहीं हुआ है। और रोडें देख लीजिए तो इतनी जर्जर हैं कि वहाँ से आप पैदल निकलना बहुत मुश्किल है। हर कोई ऐसा नहीं सोचता, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें लगता है विधायक जी ने बहुत काम किया है। मेरे विधायक ने बहुत काम कराया है, पानी टंकी भी लगाई है, सब कुछ लगाया है और सीवर लाइन भी खूब अच्छी तरीके से बढ़िया कर दिया है, मेंटेन कर दिया है और काफ़ी काम करा है। जनता बहुत खुश है उनसे, टाइम से मिलते हैं, काम भी करते हैं, जनता काम लेके आते करते हैं, बिल्कुल करते हैं, बिना देखे भी कर देते हैं, काम अच्छा करते हैं। हमारे क्षेत्र से विधायक रविदास मेहरोत्रा जी हैं और 2012 में जब हम लोग क्षेत्र में निकलते थे या जब भी जाते थे, सड़कें, नालियाँ, खड़ंजे, गलियाँ, ये सब बहुत समस्याएं थी, जो कि अब क्षेत्र में ही क्या लगभग पूरे लखनऊ में सड़कें बनने का काम हुआ है और गलियाँ, खड़ंजे, नाले जो खुले थे जिसमें बच्चे गिर के मर जाते थे, तो उन नालों को पटाने का काम भी रविदास मेहरोत्रा जी ने किया है। यूं तो इस इलाके में बिजली, पानी और सड़कें बनाने का काम होता रहता है, लेकिन उसकी मरम्मत पर ध्यान नहीं दिया जाता। विधायक के काम से कुछ लोग खुश हैं, तो किसी किसी के पास शिकायतों का पुलिंदा है। सच्ची तस्वीर आपके सामने है, अब फैसला आपको करना है। अवनीश विद्यार्थी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7, लखनऊ।